बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा एक सुंदर सा लहंगा है, वो मुझे तो सुंदर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगे वो बताना मुझे कमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरी सिस्टर की शादी में लिया था ये, तो अच्छा है वैसे काफ़ी। पर दिखाती हूँ, देखिए आप लोगों को कैसे लगे। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, लाइक कर देना ज़रूर। तो स्टार्ट करती हूँ पहले लहंगे से। ये देखो प्यारा सा कलर है, ये रामा ग्रीन कलर में, डार्क कलर में है। इसकी ये कमर, कमर पे भी वर्क देखो, जरी और सीक्वेंस का वर्क है। ये पाइपिंग लगाई हुई है पिंक कलर की, दो भर की आ रही है। और इसके फ्लावर देखो, ये फ्लावर है ना, जिसकी सफाई देखो कितनी अच्छी है। पास में दिखाने से तो थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, यहाँ से देखो कितना अच्छा अच्छा वर्क है इसमें। फ्लावर में सीक्वेंस के और जरी के और धागे का वर्क है इसमें, मल्टी कलर धागे का, जो बहुत प्यारा। और इसको ना कलियों में बनाया हुआ है पूरा, देखो पूरा कलियों में, पूरा कलियों में बना हुआ है पूरे पे। ये फ्लावर बने हुए हैं पूरे में, जो हैवी फ्लावर है ये। और नीचे इसका ये बॉर्डर है जरी और सीक्वेंस की, जड़ी भी पारी बहुत प्यारा, इतनी बारीकी से काम है ना इसमें, बिल्कुल भी खराब नहीं है। देखो इसका ये पट्टा बॉर्डर जो बोलते हैं इसको नीचे, ये कितना हैवी भी है, सिंपल सोवर भी है और हैवी भी है एक तरीके से, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। और इसमें जरी और धागे का ये वर्क अच्छे से, ये तो हो गया लहंगा। देखो इसका ये फ्लावर कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, इसकी टसन है ये लग रहा है बहुत प्यारी, गोटे की ये, यहाँ भी गोटा है और नीचे वाले में गोटा है। और इसके देखो इतना बड़ा कैनवास का बॉर्डर है ये, इतना बड़ा था। और अंदर भी इसके ये खराब नहीं होता, ये चुभता भी नहीं है, अच्छा अच्छा लगता है ये सही है। और फिर इसके कैन कैन लगी हुई है, टाइट कैन कैन को। फिर ये को कैनवास का बॉर्डर है, ये कैनवास का पट्टा काफी बड़ा सा है ये भी। और अंदर से ये लाइनिंग भी इतनी अच्छी सॉफ्ट, बिल्कुल खराब नहीं होने वाली, देखो ये खूब अच्छी है। रेडीमेड किया था मैंने जयपुर से ये, तो इसमें ज्यादा घेर तो नहीं है, पर ऐसे लुकिंग वाइज देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है, पूरा दिख भी नहीं पा रहा है। लुकिंग देखो इसकी कितनी अच्छी है, घेर तो नहीं आती है, इसके फ्लावर भी खूब सुंदर सुंदर है। ये तो हो गया मेरा प्यारा सा लहंगा, और इसका मैं ब्लाउज बता देती हूँ आपको। ये ब्लाउज इसका, इसके ब्लाउज के इस पे आगे भी देखो वर्क है, ये जरी है और सीक्वेंस का, सामने छोटी छोटी सी ये बूंदे हैं बूटे इसके, और सामने भी फ्लावर है एक ही है फ्लावर, फिर नीचे भी वही सीक्वेंस की लाइनिंग दी हुई है, तो ये अच्छी लग रही है। देखो आस्तीन में भी ऐसे है, ये बूटे और सामने से फिर ये बॉर्डर पे ये इसकी अच्छी लुकिंग आ रही है। और पीछे से भी देखो, पीछे से भी कितना अच्छा इसका, ये पीछे भी वही सीक्वेंस का, ये थ्री सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और पीछे दो फ्लावर हैं, पहले बूटे हैं फ्लावर है इधर, और फिर नीचे इसकी ये लाइनिंग अटेंशन नीचे जो, ये भी अच्छी लग रही है बॉर्डर लगा रखी है इसकी। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी इसकी, तो आप देख रहे हो ना इसका लुक कैसा आएगा, आप दिखा देती हूँ इसकी ओल्डनी, ओल्डनी का वर्क देख रही है जो लहंगे में और ब्लाउज में है ना, वही तो इसका वर्क है और वही कलर है इसका, ये बॉर्डर पे तो। और यहाँ इधर पाइपिंग लगाई हुई है रानी कलर की, रानी कलर की क्या इसका मतलब, ये बहुत गाजरी कलर है ना, ये कलर है इसका, ये पूरे पे ये बॉर्डर है इसका, बहुत सुंदर कलर है।
पूरी पे और फिर इसके बीच बीच में ये बूटे बनाए हुए जरी और सीक्वेंस की गोल्ड वाले ये बनाए हुए सारी में बने हुए देखो और वो 2.5 या 2.5 मीटर की है दो चारों तरफ ये बॉर्डर बना हुआ है इसकी और दो साइड में है ना इसकी ये लटकन देखो ये कितनी प्यारी लटकन है लटकन देखो मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं मल्टी कलर की लटकन है ये बहुत सुंदर लटकन सुंदर है इसकी और कलर भी अच्छा है इसका मैं ओढ़ के दिखाऊंगा आपको वैसे पिक लगा दूंगी तो पिक में भी देख लेना आप कैसी लग रही है ये देखो आपकी शादी एंगेजमेंट है किसी घर में किसी की शादी तो खुद के लिए भी ले सकते हैं और घर में किसी की हो तो उसके लिए भी सगाई वगैरह तो बहुत अच्छा ये लहंगा ऑर्डिनरी भी इसकी सिंपल सो और नेट की है नेट भी इसका अच्छा वाला है सॉफ्ट नेट है तो ज़रूर पसंद आई होगी ये पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना कि अगर किसी को लेना हो ऐसे में तो जब से ली थी मैंने तो आप भी इसको ज़रूर ले सकते हैं ऐसे मतलब ऐसे डिजाइन में ऐसे पैटर्न में अच्छे लगते हैं पहनते हैं तो फिर बाद में लेके आऊँगी आपके लिए एक नया कलेक्शन और जल्दी ही हमारी शादी आ रही है पास में ही तो जब तक के लिए इन वीडियोज़ को आगे सपोर्ट करो आगे बढ़ाओ ज़रूर आप मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करो सपोर्ट करना मुझे सब्सक्राइब करके और अपना प्यार इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए तो इतना तो बनता है फिर मिलते हैं एक नए कलेक्शन के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को प्यार देते रहिए टेक केयर बाय।